आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी मिठाई जो आपने पहले ना तो कभी खाई होगी न ही कभी देखी होगी, पीनट काजू पेड़ा। पीनट काजू पेड़ा एक ऐसी मिठाई है जो जिसमें ना तो मावा की ज़रूरत है, ना चाशनी की, ना घी की, ना दूध की। तो आप सोचेंगे ये हमने किससे बनाई है, तो ये ही इस रेसिपी का सीक्रेट है। दिवाली का मौसम आ गया है, दिवाली का त्यौहार है और कुछ मीठा ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी मिठाई जो सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और इसे आप 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन हो तो आप निकालिए और इस मिठाई को एंजॉय कीजिए और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पीनट काजू पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप मूंगफली लेंगे और इसको हम हल्का सा भून लेंगे जब तक कि इसका छिलका आसानी से निकल ना जाए। तो एक पैन में डालेंगे और गैस की फ्लेम को स्टार्टिंग में 1/2 मिनट के लिए हम हाई रखेंगे और फिर लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और आसानी से छिलका भी निकल जाएगा। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसे चलाते हुए, तो अब हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि इसका छिलका आसानी से निकल रहा है कि नहीं। तो छिलका आसानी से निकल रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे और फिर छिलका निकाल लेंगे। तो इसका छिलका ऐसे हाथों से मसल मसल कर हम निकाल लेंगे या आप किचन टॉवल से मसल कर इसका निकाल सकते हैं और एक छलनी में से आप इसे छान कर आसानी से निकाल लेंगे। देखिए छिलका मैंने अलग कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें डालकर इसका पाउडर बना लेंगे और पाउडर बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसको पहले चलाएंगे 2 से 3 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। ऐसे पल्स पे करके हम इसका पाउडर बना लेंगे, जिससे मूंगफली में जो अपना ही एक तेल होता है, अपना ही ऑयल होता है जो वो रिलीज़ करता है। तो हल्का सा हम ज़्यादा देर तक इसका पाउडर बनाएंगे ऐसे करके और फिर देखिए आप देख पा रहे होंगे इसने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है, जिससे कि ये बंधने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो ऐसे ही हम सारा पाउडर बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है और हल्का सा इसने अपना तेल रिलीज़ कर दिया है, जिससे ये बनने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब मैंने यहाँ 1/2 कप काजू लिया है, उसका भी मैंने ऐसे ही चला के पाउडर बना लिया है। हल्का सा ज़्यादा देर तक मैंने इसे चलाया है, जिससे ये भी हल्की सी बनने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इसे मिक्स कर लेंगे। तो एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें हम डाल लेंगे इसे। काजू को या फिर मूंगफली को अगर हम ज़्यादा देर तक मिक्सी में चलाकर पीसेंगे तो इसमें हल्का सा तेल निकलना शुरू हो जाएगा, तो ये बनने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ बड़ा बाउल लिया है और उसमें हम डाल लेते हैं। और 1/2 कप मैंने यहाँ काजू, बादाम और पिस्ते का पाउडर बना लिया है। हल्का सा दरदरा इसे पीस लिया है, फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है। हल्की सी इसमें बाइट हो तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो ये डाल लेते हैं हम। देखिए आपको दिख रही होगी कि इसमें हल्की हल्की बाइट है, यानी कि ये मैंने दरदरा पीस लिया है। अब हम चीनी डाल लेंगे। आप बूरा भी डाल सकते हैं या फिर आप चीनी को मिक्सी में पीस कर उसका पाउडर बना कर ले लीजिए। तो यहाँ मैंने 1/2 कप चीनी का पाउडर लिया है, वो डाल लेते हैं और इसे हाथों से मसल मसल कर हम मिक्स करेंगे। हाथों से हम अच्छे से मसल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे इसमें ये अच्छे से बनने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और इसमें घी या कुछ और डालने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको यहाँ सूखा सूखा लगे तो आप 1 से 2 चम्मच घी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने इसको पीस लिया है इसमें 1 बूंद भी घी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अच्छे से हाथों से मस लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मुट्ठी में थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे और इसको दबाते हुए हम गोल बना लेंगे और फिर हथेली से हम इसको पेड़े की शेप देंगे। देखिए जैसा पेड़ा होता है ऐसे हम हथेली से दबाकर इसको शेप देंगे। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़े बहुत क्रैक्स हैं तो वो आसानी से चले जाएंगे। आप उंगली से दबाते हुए इसको पेड़े की शेप देंगे
तो बिल्कुल आसानी से वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और पेड़ा इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा कि आपको क्या बताऊँ। इसमें से जो मूंगफली में से जो ऑयल निकलता है उससे इस पेड़े में बहुत ही अच्छी शाइनिंग भी आएगी और ये आसानी से बनकर तैयार भी होंगे। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा बना है, आप देख पा रहे होंगे, और इसमें हल्की सी शाइनिंग भी है। इसको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ना ही हल्का सा भी घी डालने की आपको ज़रूरत है। तो चलिए और बना लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हाथों में पहले लड्डू की तरह गोल बनाएंगे इसे दबा दबा कर, और फिर हथेली से हम इसको पेड़े की शेप देंगे, हल्के सा हम दबाते हुए पेड़े की शेप देंगे और जो भी क्रैक्स होंगे हम उंगलियों की सहायता से दबाकर इसको ऐसे दबाएंगे और ये आसानी से सारी दरारें ख़त्म हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे हमारे पेड़े बनकर तैयार होंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे ये। ऐसे ही हम और भी तैयार कर लेते हैं, देखिए चलिए और बना लेते हैं। पेड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा केसरी फूड कलर लिया है और पेड़े के ऊपर हम ऐसे डॉट लगा देंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। देखिए मैंने अच्छे से डॉट लगा दिए हैं और यहाँ मैंने थोड़े से कटे हुए पिस्ता लिए हैं, यानी कि पिस्ते की कतरन ली है, वो डाल देते हैं हम इनके ऊपर, एक एक लगा देंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। तो चलिए लगा देते हैं अच्छे से पिस्ता। पेड़े बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कि आपको क्या बताऊं, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और आप देख सकते हैं कि इसे हमने सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर लिया है। बस इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 7 से 8 मिनट, नहीं तो बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगती हैं, 5 मिनट से भी कम टाइम लगा है। देखिए और कितने सुंदर हमारे पेड़े बनकर तैयार हुए हैं, देखिए तोड़ के मैं दिखा रही हूँ। वाओ, आप टेक्सचर देख रहे हैं इसका, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है ये और खाने में एकदम टेस्टी है। आप ऐसे बना सकते हैं, दिवाली आ रही है, आप भी दिवाली पर कुछ नया आप करने की सोच रहे होंगे, नई नई तरह की मिठाइयाँ बनाने की सोच रहे होंगे, तो आप ये पेड़ा बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ढेर सारी लाइक कीजिए और आप इसमें फैमिली में फ्रेंड में इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए नई रेसिपी के साथ मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।